कितने सारे कैमरे लगे हुए थे राइट साइड में, अभी भी गाड़ियां हैं उनको रुकवा रहे हैं, तो देखते हैं अभी क्या पूछते हैं। आज मैं जा रहा हूँ यहीं से पास में है ना व्हाइट सैंड डून्स नेशनल पार्क है, तो वहां जा रहा हूँ मैं न्यू मैक्सिको में, तो यहाँ से मुश्किल से एक घंटे की ड्राइव है। और ये जो अभी आप एरिया देख रहे हो ना, ये है टेक्सास, और अभी ये यहीं पे बॉर्डर आने वाला है टेक्सास और न्यू मैक्सिको का, तो हम लोग न्यू मैक्सिको में जाने वाले हैं, तो आप लोग को अब मैं बॉर्डर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये आर्मी वालों ने मेरी गाड़ी रुकवा दी है, क्योंकि इनके जो है यहाँ पे टैंक जा रहे हैं, तो ये देखो ये जा रहा है टैंक, तो ये भाई आ गए थे सड़क के बीच में, तो अब हम लोग जा सकते हैं। तो उधर जा रहा था टैंक, हम लोग आ गए हैं बॉर्डर पे, तो ये है एरिया बॉर्डर का स्टेट का, तो अब हम लोग एंटर करने जा रहे हैं न्यू मैक्सिको में, वहाँ लिखा हुआ है देखो न्यू मैक्सिको, सो वेलकम टू न्यू मैक्सिको। तो अभी यहाँ पे एक एरिया आने वाला है, ये यूएस बॉर्डर पेट्रोल चेक पॉइंट, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे कुछ भी क्वेश्चन, तो देखते हैं। ये कितने सारे कैमरे लगे हुए थे राइट साइड में अभी यहाँ पे, तो आगे स्टॉप होना पड़ेगा, जितनी भी गाड़ियां हैं उनको रुकवा रहे हैं और उनसे पूछेंगे, तो देखते हैं अभी क्या पूछते हैं। तो वो देखो एक वो लाल वाली जो गाड़ी है उससे पूछ रहे हैं, वहां पे जो है ऑफिसर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन बॉर्डर पेट्रोल चेक पॉइंट न्यू मैक्सिको। तो देखते हैं क्या पूछेंगे। हाय सर, वेरी गुड, इज फॉर पर्सनल, या नेशनल पार्क द सैंड डून वाइट, नो जस्ट आई एम अलोन, या इट्स गॉट बेड एंड लाइक सोलर पैनल किचन एंड एवरीथिंग इज इनसाइड, लाइक व्हेन आई ट्रेवल आई कुक इनसाइड दैट एंड डू एवरीथिंग। आई एम सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, थैंक यू सर, आई अप्रिशिएट। आप लोगों ने देख लिया है जो यूएस बॉर्डर प्रोटेक्शन चेक पॉइंट है वो कैसा है और क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने पूरी आप लोगों के लिए वीडियो डाल दी है, पता नहीं उनकी कितनी आवाज आ रही थी बट मैं तेज बोल रहा था कि आप लोगों को सुनाई दे। और ये यहाँ पे स्पेशली इस एरिया के अंदर बहुत सारे बनाए हुए हैं, उसका रीजन ये है कि मैक्सिको का जो बॉर्डर है बिल्कुल पास में है और वहां से इलीगल वे से बहुत सारे लोग है ना दीवार वगैरह टाप के आते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं दूसरे स्टेट में जाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, जितने भी टेक्सास हो गया, यहाँ पे हो गया, एरिजोना हो गया और कैलिफोर्निया की साइड में, हर जगह पे बनाए हुए हैं कि अगर आप वहां से निकल रहे हो तो वो पूछते हैं, जैसे अभी मेरे से पूछ रहे थे कि आप अकेले हो, फिर वो बेड वगैरह पूछ रहे थे, उन्होंने शायद देख लिया, जो भी है कैमरे वगैरह लगे हुए हैं हर चीज वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उनको लगा कि मैं सही हूं, तभी मेरे से कोई आईडी प्रूफ नहीं मांगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये है विजिटर सेंटर व्हाइट सैंड डून का। ओके, इफ यू गो लाइक फार अप इन द पार्क ऑन द लूप ड्राइव, वी हैव अ मैप वी कैन गिव यू, यू कैन गो स्लेडिंग डाउन द सैंड ड्यून्स। ओके, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका, व्हेन यू आर कमिंग, आई सेड व्हाट वुड यू हैव इन दिस स्टफ फॉर स्लाइडिंग ऑन द सैंड ड्यून्स, राइट? ओके, थैंक यू, आई अप्रिशिएट। तो अभी मैं यहाँ पे आया था तो ये गिफ्ट शॉप तो बंद है बट इन्होंने मुझे यहाँ पर एक ये स्लाइडिंग का दिया है, तो कह रहे थे तुम सैंड डून से स्लाइड कर सकते हो।
तो यहाँ पर ये भी बंद है, तो मैं सोच रहा था यहाँ से पास खरीदने को, बट ये बंद है। तो चलो भाई, नो कैंपिंग अलाउड है। पहले मैं सोचा था यहाँ पे कैंपिंग करूँगा, बट कैंपिंग अलाउड नहीं है। तो अभी है ना, यहाँ पे जो एंट्री के चार्जेस लगते हैं, आई थिंक $25 है व्हीकल के, और फिर पर पर्सन भी लेते हैं शायद, श्योरिटी नहीं है, बट $25 लिखा हुआ था। तो फिलहाल तो मैं ऐसे ही आ गया हूँ अंदर बिना पे किए, क्योंकि वो विंडो बंद है। तो मैं सोचा चलते हैं, अगर कुछ होगा तो देखी जाएगी। ये मेरी विंडो खुली हुई थी, मैं भूल गया बंद करना, और मैं सोचा यार ये इतनी ठंड कहाँ से आ रही है। तो अभी सूरज है ना बिल्कुल सामने है मेरे, वो देखो सूरज देखो यार कितना बड़ा है और बिल्कुल सामने है। तो यहाँ से लेफ्ट की तरफ में बोल रहे हैं जाने को, तो मैं यहाँ से लूंगा लेफ्ट। तो अभी मैं पार्क में तो आ गया हूँ, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, अगर आप लोगों को पूरा रीड करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो अभी उधर सैंड ढूंढ के हम लोग पीछे जाके देखेंगे। यहाँ पे इनके पास है बड़ा जबरदस्त कूल आरवी, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टे अलाइव। जो स्लाइडिंग की एक्टिविटी है मुझे लगता नहीं है वो मैं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ना, मैं नहीं चाहता कि इनके अंदर रेत घुस जाए। इधर से मैं जा रहा हूँ और उधर से ऊपर की तरफ जाना है, और मेरे पीछे ना कुछ लोग आ रहे हैं बलून्स वगैरह लेके, मुझे लगता है कि वो एक दूसरे को प्रपोज करने वाले हैं या कुछ। बड़ा ही अच्छा लगता है जब इस तरीके से लोग एक दूसरे को प्रपोज करते हैं काफ़ी बलून्स वगैरह ला के। और अभी मैंने गलती से है ना स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए, वैसे तो मैं ट्रैकिंग शूज़ पहनता हूँ, बट आज सब कुछ मैं गलत पहन के आ रहा हूँ। तो इस तरफ से चढ़ते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे ना स्टॉर्म वगैरह आ जाता है। तो यार सही में ही ये जो सैंड है ना बिल्कुल वाइट है, ऊपर चढ़ के देखते हैं उस तरफ कैसा है। वाह यार ये लोकेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मेरा मन कर रहा है यहाँ पे ना मैं सुबह सुबह आऊँगा। बस यहाँ पे लिखा हुआ था कि ना कैंपिंग अलाउड नहीं है, तो मैं चेक करूँगा क्या टेंट कैंपिंग अलाउड है, तो अपनी कार को कहीं और पार्क करके और ऊबर वगैरह टैक्सी लेके मैं यहाँ पे आऊँगा। वाह यार क्या ज़बरदस्त है, वहाँ पर देखो लोग खड़े हुए हैं, वो देखो बिल्कुल। जो सैंड है ना बिल्कुल वाइट है, जैसे मैं दुबई में गया था ना, दुबई का जो सैंड है बिल्कुल ब्राउन है, तो ये जो सैंड है बिल्कुल वाइट है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखो यार 360 व्यू। ये देखो जो शूज है बिल्कुल सैंड के अंदर जा रहे हैं, देखो जैसे ही मैं पैर रखूंगा ना, तो ये देखो ओह शिट, यहाँ तो ट्रैकिंग के लिए चाहिए थे शूज। इसके ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है, सांस चढ़ गई, ज्यादा एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है। तो वहाँ देखोगे तो सूरज बिल्कुल ढलने वाला है, और रात होने के बाद है ना यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। अभी भी मैं बहुत दूर आ गया हूँ, मुझे रास्ता पता है, जैसे मैं आया था वैसे जाऊँगा। वहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ था, यहाँ पे लोग रास्ता भूल जाते हैं, तो ज़्यादा अंदर मत जाओ, जाओ तो मैप लेके जाओ। तो इस वजह से मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जल्दबाजी में ना मैप भी नहीं लेके आया था, सांस बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता तो करनी पड़ेगी। अभी आने वाले टाइम में ना मैं बहुत सारी ट्रैकिंग करूँगा, तो यहाँ से देखो यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नीचे जाओगे। ये देखो यहाँ से बिल्कुल ढलान है, ये देखो तेरी की, यहाँ से थोड़े लोग गए हुए इधर से चलते। तो ये है यहाँ से स्लाइड करने के लिए, अब तो शूज़ के अंदर ना पूरा रेत ही रेत घुस गया है, अब तो जाके ही निकालूंगा मैं।
सब जगह है ना देखो एक ही जैसी लग रही है, पता ही नहीं चल रहा। तो उन्होंने सही लिखा हुआ है कि जब इस एरिया के अंदर जाओ पानी वगैरह खाना लेके जाओ और मैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो सिर्फ ऊपर देखने के लिए आया था, फिर मैं जो थोड़ा आगे चलता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। ये देखो यार, जुराब के अंदर भी है यार। ओरे यार ये तो हद हो गई, बहुत ही बुरा काम हो गया। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं, जो अभी फन कर रहा था ना उसका नुकसान भी है, बट कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अब है ना थोड़ी सी यहाँ पे सफाई करनी पड़ेगी, तो अभी मैं तो स्लाइड करने नहीं वाला हूँ। तो ये मैं सोच रहा हूँ ये मैं किसी को दे देता हूँ यहाँ पर, तो देखता हूँ। फिलहाल तो सब उधर को चले गए हैं, यहाँ पे गाड़ियों में भी कोई नहीं है, तो थोड़ी देर वेट करता हूँ, कोई मिलेगा तो उसको दे दूंगा, नहीं तो रास्ते में दे दूंगा मैं। हाथों में भी रेत हो गया, ये पहन के जाना चाहिए था, मेरे को गलती हो गई मेरे से। तो अभी तो मुझे यहाँ पे कोई दिखा नहीं है, बट अगर कोई रास्ते में दिखता है ना तो उसको दे देंगे। एक कोई आ तो रही है गाड़ी, तो गाड़ी वाला आ रहा है, अगर वो इसी तरफ आएगा तो मैं उसको दे दूंगा। आजा भाई, वो तो यार ओरी कहीं निकल गया। आज मेरा ना थोड़ा गला भी बैठ गया है, यहाँ का जो वेदर है ना थोड़ा ड्राई है, तो इसी वजह से मैं सोचा था कि बार बार पानी पीते रहो। तो यहाँ पे क्या है, न्यू मेक्सिको एरिजोना ये जो स्टेट है ना, यहाँ पे बहुत इजीली जो है कैंपिंग की साइट मिल जाती है जो बहुत ब्यूटीफुल होती है। स्लाइडिंग बोर्ड्स इफ यू वांट फ्री, आई हैव टू ऑफ दोस। तो अब ये भाई साहब मिल गए हैं, तो ये कह रहे हैं मेरे को दे दे, मैंने कहा फ्री है भाई ले लो, तो ये इनको दे देता हूँ मैं। तो एक काम तो हो गया है, स्लाइडिंग बोर्ड्स यार मेरे तो काम आने नहीं वाले थे, क्योंकि मैं तो पता नहीं कब यहाँ पे आऊंगा, तो मैंने इनको दे दिए, किसी ने मुझे दिए थे मैंने इनको दे दिया। तो ऐसी दुनिया चलती है एक दूसरे की हेल्प करके। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं ग्रोसरी स्टोर के लिए। तो अभी थोड़ा सा सीन हो गया है, पहले मैंने मैप में चेक किया था, यहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर था पास में 15 मिनट की ड्राइव, तो मैंने वहाँ ड्राइव की, तो वो ग्रोसरी स्टोर तो बंद था। अब जो यहाँ से नेक्स्ट जो ग्रोसरी स्टोर है ना या कोई सिटी है, तो वो 40 मिनट की ड्राइव पे है, तो अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ। और आज आप लोगों ने देखा कि जब मैं सैंड पे चल रहा था तो मेरी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगी थी, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट जो 100 डेज है ना कल से, तो मैं हर एक दिन एक्सरसाइज करूंगा, या तो मैं रनिंग करूंगा या जिम में जाके कोई एक्सरसाइज करूंगा। अगर वहां पे जिम नहीं है तो मैं किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करूंगा, बट मैं डेली करूंगा। और जो भी मैं एक्सरसाइज करूंगा ना वो मैं वीडियो पे भी डालूंगा और इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा। और आप लोग की एक हेल्प चाहिए, अगर किसी दिन मैं भूल जाऊं डालना तो आप उसमें लिख देना कि भाई आज आपने एक्सरसाइज नहीं की। तो अब यहां से बची है 22 मिनट की राइड। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है ना, तो यार प्लीज लाइक करें बिना मत जाना, और कमेंट जरूर लिखा करो अच्छा लगे बुरा लगे, उससे ये ना मोटिवेशन मिलता है और फिर और वीडियो बनाने का मन करता है। तो अभी आप कमेंट लिखना, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगा तो वो लिखना, बुरा लगा वो लिखना, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बिलीव इन योरसेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।